नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों एक बड़ी खबर है अक्षय कुमार सर के प्रशंसकों के लिए, हेरा फेरी थ्री के सारे मतभेद दूर हो गए हैं और अब ये फिल्म बनने जा रही है। जी दोस्तों, कई वर्षों से हम इंतजार कर रहे हैं हेरा फेरी थ्री के बारे में, और साजिद नाडियाडवाला, फिरोज नाडियाडवाला ने अपने सारे मतभेद सुलझा लिए हैं और वो करीब 30 करोड़ रुपए का एक जो उनका कोई आपस में कोई मतभेद था जो पिछले जो फ्रेंचाइजी थी उनके साथ, वो उन्होंने सुलझा लिया लगभग, और सारे मतभेद अब दूर हो गए और अब ये फिल्म बनने वाली है, ये कंफर्म हो गया है दोस्तों। ये बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी खबर है ये। और अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल, बाबू भाई, श्याम भाई और राजू आपको नजर आने वाले हैं। इतने तो कंफर्म है, बाकी अभी कोई कंफर्म स्टार कास्ट नहीं और कौन कौन नजर आ सकते हैं इसमें, लेकिन बहुत बड़ी ये फिल्म होने वाली है। और शायद जहां तक संभव है मुझे लगता है प्रियदर्शन इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, प्रियदर्शन या फिर राज सांडिल्य इस फिल्म को डायरेक्ट कर सकते हैं। राज सांडिल्य करते हैं तो बहुत बड़ा मजा आएगा, क्योंकि बहुत ही बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं और कॉमेडी फिल्म बनाने में उस्ताद है। तो इससे बड़ा अपडेट ये है कि दोस्तों 5 नवंबर से ये इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है, इसी 5 नवंबर से शूटिंग शुरू हो सकती है, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। हालांकि अक्षय कुमार इस समय हाउसफुल 5 की शूटिंग कर रहे हैं, तो शायद फिर उसके बाद में वो इसकी शूटिंग भी शुरू करे आकर के, तो बहुत बड़ी खबर रही है दोस्तों अक्षय कुमार सर के प्रशंसकों के लिए। वेलकम टू द जंगल भी पटरी पे लौट आई है और उसकी भी शूटिंग चलेगी बहुत तेजी से, और साथ में हाउसफुल 5 इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी, साथ में दोस्तों की हेरा फेरी 3, अक्षय कुमार की ये तीनों फिल्में दोस्तों ये मान लीजिए कि आग लगाने वाली है, बॉक्स ऑफिस पर छा जाने वाली है, क्योंकि ये इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है, इतनी बड़ी हिट मूवी होने वाली है और इतनी बड़ी स्टार कास्ट इन फिल्मों की क्या कहा जाए। हाउसफुल 5 के बारे में और जल्दी लेटेस्ट अपडेट आएंगे, सभी एड्रेस के मुंह पे ताला लगने वाला और अक्षय कुमार फिर से छा जाने वाले हैं, मेरा ऐसा मानना है। और बाकी तो स्काई फोर्स आ रही है लाहौर 1947 से 26 जनवरी को टकराएगी, और इसके पहले कोई और कोई फिल्म भी रिलीज कर दी तो पता नहीं, अक्षय कुमार है ये कुछ भी कर सकते हैं। सिंघम अगेन आई रही है उनकी कैमियो जिसमें जबरदस्त, उनका जय श्री राम, जय बोलना।